बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 हेरेडिटी इन ऑर्गेनिज्म में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए एंड हेरेडिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए क्या होता है। हर सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो बेसिकली क्या है, डीएनए है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो स्ट्रक्चर दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल क्वाइल फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हर न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो है वो 4 तरह की मौजूद होती है। एक है हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, डीएनए के पास कितनी बेसिस होती है, 4 तरह की होती हैं। तो इस तरह हमें जो है 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स दिखाए गए हैं। तो डीएनए जो है इनसे मिलकर बना हुआ होता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटेडली मौजूद होती है एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में और हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब क्या होता है कि हमेशा जो एडेनिन है वो बॉन्डिंग कर सकती है, एडेनिन बेस पेयर हमेशा बॉन्डिंग कर सकती है थायमिन बेस पेयर वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ, और गुआनिन जो है यानी जी जो है वो हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग कर सकती है, साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग कर सकती है, बेस पेयर बना सकती है। ठीक है, तो ये रूल है इनकी बॉन्डिंग का। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर जैसे कि हमने कहा न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, तो अगर एक स्ट्रैंड जो है यहाँ पर सपोज अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड मौजूद है जिसके पास एडेनिन ए वाली जो है क्या मौजूद है, बेस मौजूद है, तो हमेशा इसके सामने वाले स्ट्रैंड पर यहाँ पर जो है कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, वो न्यूक्लियोटाइड जिसके पास थायमिन वाली बेस मौजूद हो। यानी ए के सामने हमेशा अपोजिट दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगी, टी मौजूद होनी चाहिए, थायमिन मौजूद होनी चाहिए सॉरी। और इसी तरह जो है अगर यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियोटाइड मौजूद है जिसके पास बेस गुआनिन है, तो जी के सामने हमेशा यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो स्ट्रैंड्स जो होते हैं उसके एक स्ट्रैंड के सामने जो है उसकी कंप्लीमेंट्री बेस जो है पेयर मौजूद होते हैं, और इस तरह जो है जो आपस में बॉन्डिंग करते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो कनेक्ट रहते हैं। तो ये तो था डीएनए का स्ट्रक्चर जो ब्रीफली हमने बताया, और इस तरह डीएनए एक लार्जर मॉलिक्यूल है। अब ये लार्जर मॉलिक्यूल किस तरह जो है एक इतने छोटे से सेल में समाया हुआ होता है, तो अल्लाह ताला ने इसका एक इंतजाम ऐसे किया है कि लार्जर मॉलिक्यूल जो डीएनए का जो कि हर सेल में मौजूद होता है, हर सेल के न्यूक्लियस में, ये क्या करता है, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, इनको हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रैंड है ये उसके इर्द गिर्द जो है ऐसे रोल होता जाता है। ठीक है, अब रोल होता जाता है तो इसकी लेंथ जो है कम होती जाती है, यानी पैकिंग की तरफ ये जाता जाता है। तो ऐसा आप देखें तो ये रोल होते होते ठीक है तो हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बना देता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। जब डीएनए पैकेजिंग कर लेता है तो इस फॉर्म में आता है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। यानी जब पैकेजिंग के बाद डीएनए एक स्पेसिफिक शेप में आता है, थ्रेड लाइक शेप में, तो वो शेप हमारे पास क्या कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्रोमोसोम भी क्या है, डीएनए ही है जो कि अब पैकेजिंग फॉर्म में मौजूद है। इसलिए एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह एक डोर होती है, डोर की लेंथ बहुत ज्यादा होती है बर्तन उड़ाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, तो उसको जब आप किसी चीज के इर्द गिर्द लपेटते हैं, जैसे कागज के इर्द गिर्द गोल सा कागज लेकर उसके इर्द गिर्द लपेटते हैं, तो उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप उस डोर को खोले तो वो उसकी लेंथ बहुत दूर तक जाएगी। तो इसी तरह आप समझ लें कि सेल के न्यूक्लियस में जो इतनी लेंथ वाला जो डीएनए है इस तरह पैक हुआ होता है, पैकेजिंग इसकी हुई होती है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होती है। सो अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए बेसिकली क्या है। सो डीएनए हमारे पास क्या है, इट इज अ हेरिडिटरी मटेरियल मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है और ये हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी जिसको विरासती मादा में बोला जाता है। और बेसिकली इसका जो सीक्वेंस होता है बेस पेयर का, जो हमने आगे प्रीवियसली पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में,
वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन विद इन उस स्ट्रक्चर के जो है वो सेव हुई होती है किसी भी पर्सन की। तो ये क्या करता है, इसके पास एसोसिएट होती है कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से बच्चों तक जो एसोसिएट होती है वो डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। अब क्रोमोसोम क्या है, हमने पढ़ लिया था कि बेसिकली जब डीएनए पैकेजिंग फॉर्म में आ जाता है हिस्टोन प्रोटीन के लिए जो है लिबर जाता है या पैकेजिंग कर लेता है और एक सेल स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है, तो उस सेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब आ जाते हैं व्हाट इज डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेल दिखाया गया है, सेल में देखें ये न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम जो यानी क्या है बेसिकली डीएनए पैक हुआ हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अब हम आ जाते हैं जीन की तरफ कि जीन क्या है। तो जीन क्या है, एक डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, कुछ खास हिस्सा डीएनए का, ठीक है। ये लाइक सपोज ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, देखें डबल हेलिकल, तो इसका ये स्पेसिफिक पोर्शन जो किसी खास खसूसियत को कंट्रोल करता है किसी भी बंदे की, तो वो पोर्शन, खास पोर्शन जहाँ पर एक खास सीक्वेंस मौजूद है लाइक ए टी जी सी ए, तो ये किसी खास खसूसियत को कोट करेगा, तो ये पोर्शन इसका क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज नोन एज जीन। तो इसका मतलब है कि जो डीएनए है वो एक लार्जर मॉलिक्यूल है और उस पे नंबर ऑफ जीन्स जो है मौजूद होती हैं जो डिफरेंट करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। सो जीन क्या है, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पास क्या है, डीएनए है, और डीएनए जब पैकेजिंग करता है तो हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आता है और डीएनए का जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो जिसपे खास सीक्वेंस मौजूद होता है बेस पेयर का, तो जो एक खास खसूसियत को कंट्रोल करता है वो उसका क्या है, जीन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हेरिडिटी की तरफ। हेरिडिटी क्या है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी वालदैन से औलाद तक खसूसियात ट्रांसफर होने के अमल को हम हेरिडिटी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हम बार बार वर्ड यूज करें, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स वर्ड हम यूज करें, तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली खसूसियात को बोला जाता है, अ फीचर और क्वालिटी बिलोंगिंग टिपिकली टू अ पर्सन, किसी भी बंदे की वो जो खसूसियत जो उससे बिलोंग करते हैं उसका स्पेसिफिक जो फीचर होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। मतलब अगर किसी की आइज का कलर ब्लू है तो वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक फीचर है पर्सनैलिटी का, उसके बाल कर्ल है तो ये भी उसकी पर्सनैलिटी का एक फीचर है, डार्क व्हाइट है तो ये भी एक फीचर है। तो इसका डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं किसी भी पर्सन के जो के कौन कंट्रोल करता है उसका डीएनए, और डीएनए में मौजूद डिफरेंट जीन्स जो है उसकी कंट्रोल करती है। अब हेरिडिटी की बेसिस क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम जीन्स और डीएनए, बेसिकली इन्हीं के थ्रू यानी डीएनए के थ्रू जो है वो हेरिडिटी का प्रोसेस जो है वो एकम्प्लिश होता है, यानी उसके थ्रू जो है आगे खसूसियात जो है वो ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। अब हम देखते हैं व्हाट आर इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी खसूसियात जो कि वालदैन से बच्चों तक ट्रांसफर हो सकती हैं उनको हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं, लाइक आई कलर, बालों का रंग, इसी तरह आप फ्री एयर लोब या अटैच एयर लोब और या फिर स्किन का कलर, ये सारे के सारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। जबकि नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे करेक्टर जो वालदैन से बच्चों तक ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। अब हम देखते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर की एग्जांपल। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं आई कलर, तो आई कलर ऐसा कैरेक्टर है जो कि वालदैन से औलाद तक जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। आई कलर किस चीज में डिपेंड करता है कि जो आई का कलर पोर्शन है, आयरिस पोर्शन है, वहां पर एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं, उसकी अमाउंट जो है वो मैटर करती है कि अगर वो पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो आई का कलर जो है वो क्या होगा, और होगा, अगर वो मटेरियल कम प्रोड्यूस होता है तो आई का कलर जो है पे वो चेंज होता है। सो अब इस मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करता है, कि ह्यूमन बींग के जो क्रोमोसोम नंबर 15 है उसके रीजन पर दो जीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस आई कलर को कंट्रोल करने में, यानी मेलानिन प्रोडक्शन जो है उसकी
उसकी अमाउंट को कंट्रोल करने में किसका रोल होता है, क्रोमोसोम 15 पर मौजूद जीन्स का रोल होता है, और यही जीन्स डिटरमिन करती हैं कि आई कलर क्या होगा, ब्लू होगा, लाइट ब्लू कलर का होगा, और या फिर ब्राउन या ब्लैक, ये डिपेंड करता है कि इन जीन्स की वजह से मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो उस पिगमेंट की आइरिस के पोर्शन में ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। और ये जो ट्रेट होता है, क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है, तो लिहाजा ये वालदैन से औलाद तक जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, लिहाजा आई कलर जो है ये क्या है, इनहेरिटेबल ट्रेट है। नेक्स्ट एग्जांपल है इनहेरिटेबल ट्रेट की या कैरेक्टर की, तो अगर आप देखें तो अटैच्ड और फ्री एयर लोब की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी ये एयर लोब जो होता है, ये पोर्शन जो ईयर का जो लोअर पोर्शन होता है, कुछ का जो है स्किन के फेस के साथ बिल्कुल अटैच है, यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ का जो फ्रीली है हैंगिंग कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेट है कि किसी का एयर लोब जो है वो फ्री होगा या अटैच होगा, ये भी ट्रेट कंट्रोल कौन करता है, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट यानी जीन्स जो है इसको कंट्रोल कर रही होती हैं, जेनेटिकली कंट्रोल करता है, और ये भी पेरेंट्स के पेरेंट्स से जो है औलाद तक जो है ये ट्रेट ट्रांसफर हो सकता है, लिहाजा ये भी कौन सा करेक्टर है, इनहेरिटेबल करेक्टर है। अगर वालदैन से ऐसी जीन्स बच्चों तक ट्रांसफर हो रही हैं जो कि किसके लिए थी, अटैच्ड एयर लोब के लिए थी, तो बच्चों में भी कौन से वाला एयर लोब होगा, अटैच्ड एयर लोब होगा। लेकिन अगर वालदैन में कौन सी जो है मौजूद है जीन्स फ्री एयर लोब की, तो मोस्टली क्या होगा कि बच्चों में भी फ्री एयर लोब वाली जीन्स ट्रांसफर होंगी, लिहाजा हम कहते हैं कि ये एयर लोब जो है इसकी अटैचमेंट या फ्री होना ये भी क्या है, एक इनहेरिटेबल करेक्टर है, जिसको कि स्पेसिफिकली कुछ खास जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। कुछ जीन्स जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, वो डोमिनेंट होती हैं, मतलब खुद को शो कर रही होती हैं। तो अगर हम देखें तो नॉर्मली जो फ्री एयर लोब है ये हमारी इन्वायरमेंट में ये ज़्यादा ये वाली जीन जो है वो डोमिनेंट होती है एज कम्पेयर टू अटैच्ड एयर लोब वाली। आपको ज़्यादा जो पर्सन मिलेंगे उनमें फ्री एयर लोब वाली जो है जीन मौजूद होगी। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रोमोसोम जीन्स और डीएनए के बारे में देखा, और फिर हमने देखा कि हेरिडिटी में कौन से करेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिटेबल या नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, हमने उसमें आई कलर और जो है अटैच और फ्री एलो के बारे में देखा। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।